मीडियन होगा उन दोनों की मिडल वैल्यू होगी. जैसे 20 और 25 के मिडल की वैल्यू आ गई 22.5. क्लियर. जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, ऑड होंगी तो ये फॉर्मूला. जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो मिडल में एक ही वैल्यू आएगी. मीडियन के केस में दो वैल्यूज आएंगी इसलिए हमने उनका मीन लिया, वो वैल्यू आएगी मीडियन. तो आपको हमेशा याद रखना है मॉड और मीडियन फाइंड करते हुए उनका डेटा को अरेंज करना सबसे पहला काम यही होना चाहिए. अगर आपने डेटा अरेंज नहीं किया तो आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे. क्लियर. यहां तक नोट कीजिए. मीडियन के बाद हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ्स के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बार ग्राफ्स जब भी हमें बार ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं सबसे पहले डेटा को हम फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में लिखेंगे या हमारे पास होना चाहिए डेटा उस फॉर्म में, उससे हम बार ग्राफ बनाएंगे. सपोज आपके प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे जो क्लास में फर्स्ट 5 हाईएस्ट मार्क्स हैं आपकी क्लास में मैथमेटिक्स में उनका विजुअल में दीजिए ताकि एक बार में वो देखें और उन्हें पता लग जाए किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो आपके टीचर ने मार्क्स दिए 5 स्टूडेंट्स के, ये फ्रीक्वेंसी टेबल था, नेम और मार्क्स इन मैथमेटिक्स. आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स 100. ठीक है. 5 बच्चों के नाम दिए, अजय, विराट, शौर्य, राघव, अनन्या. सपोज ये 5 बच्चों के नाम दिए टीचर ने और उनके मार्क्स बताए. उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 85, 100 95, 98, 97. ये मार्क्स हैं. अब अगर इस फॉर्म में भी डेटा को दिया जाए तब भी पता लग जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है क्योंकि हाईएस्ट 5 मार्क्स मांगे हैं, 5 स्टूडेंट्स के जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं. तो मतलब पहले 100 जिसके हैं 98, 97 ये हो गए. अब उन्होंने क्योंकि टीचर को कहा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देना है तो ग्राफिकली टीचर ने रिप्रेजेंट किया है. यहां पे आएंगे मार्क्स, यहां पे आ गए नेम ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. अब 100 में से मार्क्स हैं तो टीचर ने 10-10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. हंड्रेड, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. अब फर्स्ट बच्चे के हैं 85. 80 और 90 के मिडल में होंगे. देन 100 के बाद 95, आफ्टर दैट 98, देन 97. टीचर ने इसमें नेम भी रिप्रेजेंट
सेंड कर दिए ताकि पता चले। अजय, विराट, शौर्य, राघव, अनन्या, ये हो गए। अब टीचर ने ये डेटा नहीं दिया, सिर्फ ये दिया देखने के लिए कि हाईएस्ट 5 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के हैं। तो आपके सर ने देखा कि हाईएस्ट मार्क जो है, सबसे बड़ी जो कर्व है, टॉलेस्ट जो बार है, कर्व नहीं सॉरी बार, जो टॉलेस्ट बार है वो इस स्टूडेंट की है, इट इज हुज नेम इज विराट। तो उन्होंने देखा कि हाँ जी, जो विराट है उसके हाईएस्ट मार्क्स है 100। ठीक है, तो बाकी सब डाटा भी देख लिया कि पहले 5 पोजीशंस पे मैथ्स में कौन कौन है। अब किसी दूसरे स्कूल का उन्होंने डाटा मंगवाया, सेम क्लास का, मैथ्स के ही मार्क्स मंगवाए, तो उन्होंने उस डाटा को भी रिप्रेजेंट किया। नेम, मार्क्स इन मैथ्स, दिस इज आल्सो आउट ऑफ 100, मैक्सिमम मार्क्स 100। मानवी, रिधम, पुलकित, अरुण, आरव, इनके 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स मंगवाए। ये भी हाईएस्ट 5 मार्क्स हैं जिन स्टूडेंट्स के हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मंगवाए। जब भी हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, जो आप बार्स बनाते हो उसकी विड्थ, जो साइज है बार्स का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जितना इस बार के मिडल में साइज है उतना ही बाकी बार्स के मिडल में भी होना चाहिए। ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों डेटास को कंपेयर करना है कि किसके मार्क्स कैसे हैं। क्लियर? कि ये मान लिया उन्होंने, ये स्कूल 1 है उसके मार्क्स हैं, ये स्कूल 2 है उसके मार्क्स हैं। अब उन्होंने कहा कि हमें कंपेयर करना है, तो अब हम नाम नहीं लिख रहे यहाँ पे, सिर्फ स्कूल को कंपेयर कर रहे हैं, स्कूल के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं। तो इस डेटा को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। जैसे स्कूल 1 का हमने रिप्रेजेंट किया, जो एम्प्टी बार्स है वो स्कूल 1 के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रही है और शेडेड बार्स स्कूल 2 के। अब उन्होंने कंपेयर करना है कि स्कूल 1 के ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं या स्कूल 2 के मैथ्स में। तो 85, फर्स्ट इज 85, डेटा को अरेंज किया मैक्सिमम या मिनिमम में। तो अगर हमने इन स्कूल के बच्चों के नाम भी सेम लिए, या हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं, ये स्कूल 2 की बजाय मैथ्स में और साइंस में मार्क्स ले लेते हैं, स्कूल 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों अलग अलग से बार्स बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। जैसे हमने स्कूल 1 और 2 के जो ग्राफ्स, बार ग्राफ्स बनाए, 1 का बनाया था तो विराट के हाईएस्ट थे, मान लो 2 का बनाया तो उसमें पुलकित के हाईएस्ट थे। दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स देख लिए। अब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, या तो दोनों स्टूडेंट्स के बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखे जाए कंपेयर करने के लिए, या दोनों स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में, मतलब 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में देखें कंपेयर करने के लिए। मान लो हमने वही 2 स्टूडेंट्स लिए जिनके हाईएस्ट थे,
दो स्टूडेंट्स थे, विराट एंड पुलित। इन दो बच्चों के मैथ्स के दो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स थे, मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अब हमने क्या करना है, जो बच्चों के हाईएस्ट मार्क थे, अब प्रिंसिपल सर ने या प्रिंसिपल मैम ने कहा इनके बाकी सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स को कंपेयर किया जाए कि कौन सा बच्चा आगे जा रहा है। तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे, मैथ्स के थे 199, साइंस के 94, 95, सोशल साइंस के 92, 93, इंग्लिश एंड हिंदी 90, 91, 98, 90, ये मार्क्स हमने ले लिए। हमने पहले दो अलग अलग स्कूल के बच्चों के मार्क्स लिए मैथमेटिक्स में। एक का हमने स्कूल वन का बार ग्राफ बनाया था, स्कूल टू का बनाते हैं तो उसमें पुलकित के हाईएस्ट थे 99। तो अब दोनों का अलग अलग से बार ग्राफ देख के पता चला कि एक स्कूल में विराट और दूसरे स्कूल में पुलकित के हाईएस्ट मार्क्स है मैथमेटिक्स में। अब प्रिंसिपल ने सर ने कहा कि ठीक है, ये दोनों बच्चे मैथ्स में आ गए हैं, ये इस स्कूल में और दूसरा दूसरे स्कूल में, अब इनके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी कंपेयर किया जाए। तो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए दोनों स्टूडेंट्स के। अब बनाएंगे कब, फर्स्ट है मैथ्स में विराट के 100, पुलकित के 99, जो एम्प्टी बार ग्राफ है विराट्स मार्क और शेडेड इज पुलकित्स मार्क्स 95, 92, and 93. Then 90 and 91. डेटा देने की बजाय ये एक बार ग्राफ दे दिया कंपेयर करने के लिए। जब बार ग्राफ को कंपेयर किया गया दोनों स्टूडेंट के मार्क्स को, तो इसमें देखा कि फर्स्ट में तो विराट के ज्यादा है, सेकंड में इसके ज्यादा है, थर्ड में भी, फोर्थ में अगेन विराट के ज्यादा है, फिफ्थ में इसके ज्यादा है। तो उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट देखा किस सब्जेक्ट में हमारे स्कूल का बच्चा आ गया है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। फिर बाकी सब्जेक्ट्स में दूसरे स्कूल का बच्चा आ गया। तो बार ग्राफ क्या है, डबल बार ग्राफ क्या है, टू कंपेयर टू डेटास एट अ टाइम, सेम टाइम, ये दो डेटास को सेम टाइम पे कंपेयर करके बताना उसके बारे में मैक्सिमम या लीस्ट मार्क्स, या कोई स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में आगे है, कुछ भी डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। तो कंपेयरिंग ऑफ टू डेटास एट अ सेम टाइम करने के लिए हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ गेटिंग समथिंग।
probability is chance of getting something. Total probability हमेशा 1 होती है. Probability of an event, E है किसी event के होने की probability. Total probability always 1 और probability की value 0 और 1 के बीच में lie करती है. Probability negative नहीं हो सकती, positive ही होगी. Clear? उसके बाद अगर probability या तो certain होगी या uncertain होगी या impossible होगी. तीन तरह की probability हो गई. Certain probability, uncertain or impossible. Certain means sure. किसी event के होने के बारे में अगर आप sure हो, तो वो हो गई certain probability. जैसे Christmas is always celebrated on 25th of December. Christmas हमेशा 25th December को ही मनाया जाता है. कोई ऐसा तो नहीं है कभी क्रिसमस 13 दिसंबर को हो या कभी 31 को हो. नो, तो क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ये इवेंट श्योर है, तो ये हमारी कौन सा इवेंट हो गया, सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो गई कि ये तो श्योर है 25 दिसंबर को ही क्रिसमस आएगा. अब अनसर्टेन, अनसर्टेन हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर कि ये काम हो सकता है बट हमें नहीं पता. जैसे दिवाली, दिवाली कभी अक्टूबर मंथ में आएगी कभी नवंबर मंथ में आएगी. यू कैन से कि अगले साल दिवाली जो है नवंबर में होगी बट यू आर नॉट श्योर. हो सकता है अक्टूबर में भी आ जाए और उसकी कोई फिक्स डेट भी नहीं है. तो दिस इज अनसर्टेन इवेंट. या रेन, इट विल रेन टुडे या टुमारो. हो सकता है कि बारिश हो बट यू आर नॉट श्योर कि बारिश होगी ही होगी. तो दैट इज कि हो सकता है इवेंट बट वी आर नॉट श्योर. इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होंगे जो हो ही नहीं सकते. हम एग्जांपल लेते हैं डाइस की. अगर डाइस है, डाइस पे 1 to 6 तक नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं. हम कहें कि मैंने डाइस को थ्रो किया तो उस पे 8 आ गया. क्या ये पॉसिबल है कि डाइस पे 8 आ जाए? नो. तो दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एक एग्जांपल लेते हैं कॉइन की. कॉइन है, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आए या टेल. क्रिकेट का मैच होता है, दो टीम्स के बीच में पहले टॉस होती है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो डिसाइड कर सकती है कि वो पहले बैटिंग करना चाहती है या बॉलिंग करना चाहती है. तो कॉइन को टॉस किया जाता है. सपोज एक टीम ने कहा कि हेड आया, एक टीम ने सिलेक्ट किया कि हेड, और कॉइन को टॉस किया तो आया टेल. तो जिसने हेड मांगा था उसकी, वो तो टॉस हार गया. तो टेल वाला वो डिसाइड करेगा कि उसे पहले क्या करना है, कि विच ऑप्शन ही वांट्स टू ऑप्ट, कि बॉलिंग और बैटिंग. तो दोनों प्लेयर्स की या दोनों कैप्टन जो टॉस कर रहे हैं, दोनों की क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जो टॉस है जीत जाए? 1/2. क्यों? हेड आया, टोटल आउटकम्स है 2, या तो हेड या तो टेल. हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1 है और टेल आने की भी. इट मींस दोनों कैप्टेंस के इक्वल चांस है टॉस जीतने के. इक्वल चांस है, या तो हेड आएगा या टेल. इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ और आ जाए. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2. इक्वल चांस है कि एक टीम का कैप्टन टॉस जीते या दूसरी टीम का. अगर हमने लिया डाइस, डाइस में नंबर होते हैं 1 to 6. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमने डाइस थ्रो किया और उस पे 4 आ जाए? डाइस में 4 एक ही नंबर पे लिखा होगा, एक ही साइड पे 4 होगा. सब साइड पे तो 4 नहीं हो सकते. ये डाइस पे नंबर होंगे 3, 4, 5, 6. तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6.
टोटल पॉसिबिलिटीज है 6, लेकिन उसमें से 4 आए 1/6। तो इसी तरह से किसी भी और नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने कहा डाइस पे इवन नंबर आए, तो इवन तो 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, दैट इज 1/2, 3 नंबर इवन है। इसी तरह से प्राइम नंबर आने की या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ गेटिंग समथिंग, कि किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो नोट इट डाउन।